अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और आज हमने चैप्टर 8 का एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये आपकी बुक का पेज है, ये अराउंड पेज 189 है, इस पर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा सेकेंड ईयर के अंदर। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, वो है इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। ये इस पेज के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी है, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ इसे डिटेल में। A phenomenon of inheritance in which dominant alleles of contrasting characters are not completely dominant over other, resulting that the heterozygous individual have phenotypes in between the two contrasting characters or blending of character occur in a heterozygous condition. अच्छा, अब ये इतने different different और difficult difficult terms जो है ये पढ़ने के बाद समझ नहीं आता कुछ। ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी बात है। देखें, हम ज़रा से इसे थोड़ा सा explain करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम अगर किसी एक कैरेक्टर की बात करें, हम पीछे फ्लावर के कलर की बात करते आए हैं तो हम उसी की बात करते हैं, ठीक है। सपोज़ कर लें कि एक प्लांट है कि जिसके अंदर दो तरह के फ्लावर्स लगते हैं, जैसे कि मैंने रोज़ की एग्जांपल दी है पहले भी, कि अगर रोज़ के प्लांट के अंदर हम मान लें कि सिर्फ दो तरह के फूल लगते हैं, या तो रेड या उसके अंदर लगते हैं वाइट। अब ये तो हो गया फीनोटाइप। कोई भी जो फीनोटाइप होता है उसे कोई ना कोई जीन्स कंट्रोल करती हैं। तो अगर एक गार्डन के अंदर 100 प्लांट हैं और मुझे नज़र आ रहे हैं कि उसमें से 75 लाल हैं और सफ़ेद जो हैं वो सिर्फ 25 हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये डोमिनेंट होगा। जो ज़्यादा नज़र आता है, जो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेंट होता है, और जो कम होते हैं नंबर के अंदर या जिसे एक्सप्रेस करने के लिए दोनों जीन्स चाहिए होती हैं, वो कंडीशन कहलाती है रिसेसिव। तो ये रिसेसिव फीचर है और ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं और रिसेसिव के लिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। यहाँ तक की बात हो गई। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारे पास एक प्लांट है जो रेड फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो या तो उसके पास कैपिटल आर दो जीन्स होंगी, ये उसका जीनोटाइप होगा जिसे हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। एक हमारे पास है प्लांट जो कि वाइट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास दोनों जीन्स वाइट करवाने वाली होंगी, ये वाला जीनोटाइप कहलाता है होमोजाइगस रिसेसिव। एक और जीनोटाइप होता है, एक ऐसा प्लांट है जिसके पास एक जीन रेड करवाने वाली है और एक जीन वाइट करवाने वाली है, यानी इसका जीनोटाइप जो है ये हेटरोजाइगस है। अच्छा, इस कंडीशन की बात करते हैं अभी हम। जब भी कंडीशन होती है हेटरोजाइगस, तो अभी तक हम ये देखते आए हैं कि इनमें से कोई एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट होता है, कोई एक फीचर डोमिनेंट होता है, कोई एक जीन या कोई एक अलील, इन दोनों को हम अलील्स कहते हैं, ये दोनों ऑपोजिट काम करवाना चाह रही हैं, अलग काम करवाना चाह रही हैं। तो हमने देखा है कि जब भी ये दोनों आते हैं तो इन दोनों में से कोई एक जीत जाती है और वो अपना इफेक्ट शो करती है, और दूसरी हार जाती है और वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाती। अब इस कंडीशन के अंदर प्लांट आपको नज़र आ रहा है कि वो रेड फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब रेड वाली अलील जो है ये डोमिनेंट है और वाइट वाली अलील जो है ये रिसेसिव है। नॉर्मली ये होता है कि एक अलील डोमिनेंट होती है और एक अलील जो है वो रिसेसिव होती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, जब भी कंडीशन ये वाली होगी कि दो डिफरेंट अलील आमने सामने आ जाएँ, एक रेड करवाना चाह रही है और एक वाइट करवाना चाह रही है, तो नॉर्मली तो ऐसा होता है कि या तो फ्लावर रेड होगा या फ्लावर वाइट होगा, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर ये दोनों अपना इफेक्ट कम्प्लीटली शो नहीं कर पाते। तो इनके इसके नतीजे में होता यह है कि इन दोनों का कुछ मिक्सचर बन के आ जाता है। तो अगर आप एक रेड प्लांट ले लें, रेड फ्लावर वाला प्लांट ले लें और उसे वाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवाएं, और उसके नतीजे में ना तो आपको रेड फ्लावर मिले ना आपको वाइट मिले, बल्कि आपको पहली जनरेशन के अंदर सारे के सारे पिंक फ्लावर्स मिले। अब ये जो पिंक है ये बेसिकली रेड और वाइट की ब्लेंडिंग से बना है, इनके मिक्सचर से बना है। तो ये वाली जो इनहेरिटेंस है कि जिसके अंदर आपको ना तो रेड की तरह के मिले ना वाइट की तरह के मिले, बल्कि इन दोनों के मिक्स होने से एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, ब्लेंडिंग हो गई, ये फिनोमेना कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन ही है ये कि एक ऐसा पैटर्न है इनहेरिटेंस का कि जिसमें दो अलील्स जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होती, बल्कि उनकी ब्लेंडिंग की वजह से, जो कैरेक्टर्स हैं उनकी ब्लेंडिंग या उनकी मिक्सिंग की वजह से आपको कोई नई वैरायटी जो है वो नज़र आती है, कोई नया फीनोटाइप जो है वो नज़र आता है किसके अंदर, F1 जनरेशन के अंदर। अब यहाँ पर ये क्रॉस हुआ है, ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं इसे पहले समझा दूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई कैरेक्टर डोमिनेंट होता है तो हम उसके लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, पीछे हम देखते आए थे कि रेड कलर डोमिनेंट था तो उसके लिए हम कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर रहे थे, और वाइट रिसेसिव था तो उसके लिए हम स्मॉल आर स्मॉल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर रहे थे। जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात होती है तो कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है, तो हम दोनों के लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्रॉस करवाया,
स्नैप ड्रैगन प्लांट्स के अंदर कि रेड, इसके अंदर दो तरह के फ्लावर बनते हैं, एक रेड है और एक वाइट है। अब रेड के लिए भी हम कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करेंगे और वाइट के लिए भी। तो पहले ये चूँकि हम कलर की बात कर रहे हैं तो कलर के लिए हम ले लेते हैं सी। तो हर कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होती हैं, तो इसके पास कलर के लिए दो जीन्स होंगी, इसके पास भी कलर के लिए दो जीन्स होंगी, तो इसके पास भी दो सी हैं। अब इसके ऊपर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कौन सा कलर है। तो रेड के लिए हम कैपिटल आर और कैपिटल आर लिख देते हैं यहाँ पे, और वाइट के लिए हम कैपिटल डब्लू और कैपिटल डब्लू लिख देते हैं। हम कैपिटल और स्मॉल इस्तेमाल नहीं कर रहे, वाई, बिकॉज कोई डोमिनेंट कोई रिसेसिव नहीं है, बल्कि दोनों ही इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। अच्छा, अब हमें पता है कि जब क्रॉस होता है तो पहले गैमेट्स बनते हैं, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग गैमेट्स के अंदर जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग गैमेट्स के अंदर जाएंगे। मैं डायरेक्टली क्रॉस बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास पहली जनरेशन है, ठीक है, पहली जनरेशन बनेगी। एक तरफ इस रेड वाले के गैमेट्स ले लेते हैं सी कैपिटल आर, सी कैपिटल आर, और एक तरफ इस वाइट वाले के गैमेट्स ले लेते हैं सी डब्ल्यू और सी डब्ल्यू। जब ये और ये मिलेंगे तो बनेगा सी आर सी डब्ल्यू, ठीक है, ये और ये मिलेंगे तब भी यही बनेगा, ये और ये मिलेंगे तब भी यही बनेगा, ये और ये मिलेंगे तब भी यही बनेगा। तो आपके पास सारे प्लांट्स जो आ रहे हैं उनका जीनोटाइप है सी आर सी डब्ल्यू। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि या तो ये रेड होता फ्लावर या ये वाइट होता फ्लावर, लेकिन ये सारे फ्लावर जो हैं, ये जो एफ वन जनरेशन है आपकी, ये सारी की सारी बनी है पिंक फ्लावर्स वाली। तो ये ऐसा फिनोमेना है कि जिसके अंदर जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग का मतलब दो डिफरेंट वैराइटीज़ जो हैं किसी भी एक कैरेक्टर की, जो डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, जब ये आपने सामने आती हैं तो उनकी मिक्सिंग की वजह से, उनकी ब्लेंडिंग की वजह से आपको एक नया फिनोटाइप जो है वो देखने को मिलता है। ये फिनोमेना कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, अब आपको पता है एफ टू जनरेशन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कोई दो प्लांट्स ले लेते हैं, कोई दो इंडिविजुअल्स ले लेते हैं जो कि एफ वन जनरेशन के हों। तो हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करवा देते हैं। यहाँ पे ये हमने ले लिया सी आर सी डब्ल्यू, ठीक है, ये पिंक फ्लावर है ये वाला, और एक और हमने ले लिया सी आर सी डब्ल्यू। ये दोनों अभी एफ वन जनरेशन में बने हैं पौधे, हमने इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, दोबारा से गैमेट्स बनेंगे। मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, एक तरफ इन दोनों को ले लेते हैं सी आर सी डब्ल्यू, और एक तरफ इन दोनों को ले लेते हैं सी आर और सी डब्ल्यू, ठीक है। देखिए, ये और ये जब मिलेंगे तो बनेगा सी आर और सी आर, इसके पास दोनों जीन्स रेड करवाने वाली हैं, तो ये हमें नज़र आएगा रेड। तो हमें रेड मिल रहा है एफ टू जनरेशन के अंदर, ये एफ टू जनरेशन है। उसके बाद ये और ये मिलेंगे तो बनेगा सी आर और सी डब्ल्यू, ये होगा पिंक, ठीक है, क्योंकि ये नई वैरायटी आएगी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकेंगे, तो इनकी मिक्सिंग की वजह से पिंक बनेगा। तो हमें पिंक भी मिल रहा है एफ टू जनरेशन के अंदर। उसके बाद ये और ये जब मिलेंगे तो अगेन बनेगा सी आर और सी डब्ल्यू, तो अगेन हमें पिंक मिल रहा है, और ये जब मिलेंगे तो हमें मिलेगा सी डब्ल्यू और सी डब्ल्यू, ये हमें मिलेगा वाइट फ्लावर। तो आपको जो रेशो मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एफ टू जनरेशन में, वो मिलता है रेड हमें मिल रहा है एक, पिंक हमें मिल रहा है दो, और वाइट हमें मिल रहा है एक। तो ये रेशो जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशो है एफ टू जनरेशन में। अब यहाँ देख लेते हैं, देखिए ये रेड है तो इसके अंदर इन्होंने सी आर और सी आर, ये दो बार लिखा हुआ है सी आर सी आर। ये वाइट फ्लावर है तो इसके अंदर इन्होंने लिखा है सी डब्ल्यू और सी डब्ल्यू। यहाँ से जीन आएगी रेड करवाने वाली, यहाँ से जीन आएगी वाइट करवाने वाली, ठीक है, गैमेट्स के थ्रू आएगी। तो ये जो प्लांट बना है इसके पास एक रेड करवाने वाली है और एक वाइट करवाने वाली, चूँकि कोई एक डोमिनेंट नहीं है तो ये दोनों अपना इफेक्ट शो करेंगी, जिसकी वजह से मिक्सिंग हो जाएगी और आपको जो फ्लावर मिल रहा है वो पिंक फ्लावर मिल रहा है। अब इन्होंने एक ही फ्लावर से जो है वो गैमेट्स बना लिए, तो इन्होंने यहाँ हाफ हाफ लिखा हुआ है, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सिंपल दो फ्लावर ले सकते हैं, एक ये ले लिया हमने सी आर सी डब्ल्यू, एक और ले लें सी आर सी डब्ल्यू, और प्रॉपर जिस तरह मैंने बॉक्स बनाया था पीछे, उस तरह का आप बॉक्स बनाकर शो कर सकते हैं। ये हाफ हाफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर जिस तरह से क्रॉस होता है क्रॉस बनवा दें। अब जहाँ पर ये जो रेशो आपको मिलेगा, देखें ये एक जो है ये रेड है, फिर ये दो जो हैं आपके पास ये पिंक है, और ये एक जो है ये वाइट है। तो आपको जो रेशो मिलता है वो मिलता है 1:2:1, ये रेशो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, जिसके अंदर जब दो डिफरेंट कैरेक्टर्स आमने सामने आते हैं, दो वैराइटीज़ आती हैं किसी एक कैरेक्टर की, तो उनमें से कोई जो है वो अपना इफेक्ट अकेले शो नहीं कर पाता, और उनकी मिक्सिंग की वजह से कोई न्यू वैराइटी जो है वो हमें नज़र आती है। इंसानों के अंदर एक एग्जाम्पल जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बड़ी सिंपल सी है। इंसानों के अंदर एक तरह के बाल होते हैं जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं, एक तरह के बाल होते हैं जिसे हम कर्ली कहते हैं। अगर आप गौर करेंगे कि जब इन दोनों की शादी होती है तो इनके बच्चों के अंदर
आपको एक नई वैरायटी नज़र आती है जो होती है वेवी, ठीक है। स्ट्रेट और कर्ली जब मिक्स होते हैं तो इनके इसके नतीजे में वेवी वैरायटी आती है। तो कुछ यहाँ से आया, कुछ यहाँ से आया, दोनों की ब्लेंडिंग से एक न्यू वैरायटी जो है बनी है। ये बेसिकली कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैं दिखाता हूँ, ये अगर आप देखें यहाँ पे, ये जो एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें ये जो है ये स्ट्रेट हेयर हैं, ये जो हैं ये बिल्कुल कर्ली हेयर हैं। जब इस तरह के दो क्रॉस होते हैं आपस में तो उसके नतीजे में ये थर्ड वैरायटी आती है जिसे हम कहते हैं वेवी हेयर। ये बेसिकली एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की इंसानों के अंदर।